सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y51 फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, Y51 फोन में आप कैसे ऑटो डार्क मोड एंड आप आई प्रोटेक्शन को रख सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। चूंकि डार्क मोड टाइमिंग लगा सकते हैं और यहाँ पे आई प्रोटेक्शन लगाने में आपका क्या फायदा होने वाला उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वीवो के Y51 फोन में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वीवो Y51 फोन में आई प्रोटेक्शन के बारे में एंड डार्क मोड के बारे में। ऑटो डार्क मोड आप लगा सकते हैं, टाइमिंग उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बताता हूं कैसे आपको करना है। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वीवो का Y51 फोन है तो उसमें आप ऑटो डार्क मोड एंड आप आई प्रोटेक्शन को सेट कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन सेट करने से आपके आंखों पे कोई असर नहीं होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसको आपको सेट करना है। अगर आप नाइट में डार्क मोड को यूज करेंगे तो आपके आंखों पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो दोनों सेटिंग में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने फोन के सेटिंग पे। तो सेटिंग में मैं आ चुका हूं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जाना होगा स्क्रॉल डाउन करके नीचे। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो आपको उस पर क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहां पे डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे अगर आप डार्क मोड पे जाते हैं तो यहां पे अगर ऊपर से आप ऑन करते हैं डार्क मोड, तो जो कि यहां पे हमेशा के लिए डार्क मोड आपका सेट हो जाता है। यहां पे आपको कोई टाइमिंग इसमें नहीं लगता, हमेशा यहां पे आपके फोन में डार्क मोड में ही आपका फोन रहेगा। तो ये वाला चीज आपको ऑफ कर देना। उसके बाद आपको नीचे वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो नीचे वाले पे आपको क्लिक करना। आप जैसे नीचे वाला आपका इस तरीके का ऑफ होगा तो आपको यहां पे इसको ऑन करना। अब जैसे यहां पे ऑन करेंगे उसके बाद आपको यहां पे दो टाइमिंग देखने को मिल जाता है। तो आपको यहां पे क्या करना है, टाइमिंग लगा लेना। आपको शाम को 8 बजे आपका फोन ऑटोमेटिक डार्क मोड में हो जाए तो आपको यहां पे शाम को 8 बजे यहां पे सेट कर लेना। अब जैसे शाम को 8 बजे यहां पे सेट कर लेंगे उसके बाद आपका फोन ऑटोमेटिक जो कि शाम को 8 बजे डार्क मोड में हो जाएगा। आप डार्क मोड में यूज करेंगे तो आपके आंखों पे कोई असर नहीं पहुंचेगा, आपका आंख खराब होने से बच जाएगा। इस तरीके से ये काम करता, आप अच्छे से इसमें डार्क मोड यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे मैंने सेट कर दिया, अगर मेरा फोन शाम को 8 बजे यहां पे मेरा फोन ऑटोमेटिक जो कि डार्क मोड में हो जाएगा, तो आप भी यहां पे सेट करेंगे तो आपका भी फोन यहां पे ऑटोमेटिक शाम को डार्क मोड में हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दिया। आपको यहां से आपको बैक जाना, उसके बाद आपको ऊपर देखने को मिल जाता आई प्रोटेक्शन। तो आई प्रोटेक्शन को आपको यहां से ऑन करना, आपके फोन में ये ऑफ होगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहां से ऑन कर देना है। अब जैसे यहां पे आप ऑन करते हैं उसके बाद आपको यहां पे टाइमिंग देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप टाइमिंग लगा सकते हैं। नीचे आपको क्या करना है, यहां पे आपको टाइमिंग लगा सकते हैं। इसमें भी आप कितने टाइम पे आपको आई प्रोटेक्शन में आपको फोन चाहिए ऑटोमेटिक जो कि आई प्रोटेक्शन में, तो इसमें भी आप अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। 8 बजे या सुबह 7 बजे, जब भी आप चाहते हैं आई प्रोटेक्शन में आपका फोन रहे तो आप यहां से सेट कर सकते हैं। अगर इसको चाहते हैं हमेशा हमारा फोन आई प्रोटेक्शन में रहे तो यहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको कम और बेसिक कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन में करें तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन हो जाएगा, अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से। अगर आप यहां पे कम रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां से थोड़ा कम कर देना है। यहां से कम कर देंगे तो आपका आई प्रोटेक्शन थोड़ा कम होगा। यहां पे अगर आप ज्यादा रखेंगे तो इस तरीके का स्क्रीन हो जाएगा। और यहां पे आपको कंट्रोल सेंटर से शॉर्टकट में भी देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट में भी आप आई प्रोटेक्शन में कर सकते हैं, आपको सेटिंग में जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने वीवो के Y51 फोन में सेटिंग से आई प्रोटेक्शन में आप फोन को कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आपको ऑटो डार्क मोड एंड आई प्रोटेक्शन ऑटो में कैसे रखना उसके बारे में आपको बता दिया। तो फाइनली दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको वीवो के Y51 फोन में ऑटो डार्क मोड टाइमिंग लगा सकते हैं एंड आपको आई प्रोटेक्शन में कैसे रखना है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।